श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। आई नो कि लास्ट वाला ब्लॉग आए हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। मतलब कभी कभी ना जब आप सफर पर निकलते हो और मंजिल का आपका ठिकाना नहीं होता और सफर के कुछ साथी यानी कि सफर के कुछ साथी अगर बीमार हो जाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये सफर सही चल रहा है या गलत चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक टाइम था जब गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम केदारनाथ और तुंगनाथ जी का दर्शन करके नीचे आ रहे थे तो हम रुद्रप्रयाग गए गाड़ी को चेक करने के लिए कि गाड़ी की सिचुएशन है क्या। तो ये सिचुएशन थी गाड़ी की, पूरा इंजन खुला पड़ा था। उसको देख के हमने सोचा कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरा इंजन को हमने खुला हुआ देखा तो हमारे को समझ में नहीं आया कि हम करें तो करें क्या, मतलब आगे कहीं और ट्रैवल करें या रुकें या इसके सही होने का इंतज़ार करें। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने सिर्फ रेस्ट किया और ये सोचा कि गाड़ी ठीक हो जाए तो हम वापस अपने घर की तरफ निकल जाएं, पर गाड़ी का कोई अता पता ठिकाना नहीं चल रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि घर पर जाते हैं, घर के लिए निकलते हैं और दिवाली के बाद गाड़ी रजत के पास पहुंच जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है कि वो टाइम जो लगना था कम से कम फैमिली टाइम तो स्पेंड किया जाए। तो हम पहुंच गए हैं जी गंगानगर, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए पहुंचे। रात का सफ़र बहुत ही डेंजरस होता है। ये देखो जी, इसके आगे कैसे पता लगेगा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके हट जा भी रहे हैं राइट करना, मतलब फुल रिस्की। आगे थैंक यू। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं होम स्वीट होम और बड़ी खुशी हो रही है। घर पर पहुंच के अब ऐसा लग रहा है कि जो सफर बिन मंजिल था उसको एक मंजिल मिल गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जब मंजिल मिल गई है तो इस सफ़र बिन मंजिल को यहीं पर हमारे को दी एंड कर देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आगे अभी क्या करना है, बट मेरे को लगता है कि ये मंजिल परफेक्ट मंजिल है जो हर इंसान भाग दौड़ करके एक जगह पर पहुंचना चाहता है, वो होता है उसका घर। तो ये घर हम पहुंच गए हैं। इवन काफ़ी लोग कह भी रहे थे गंगानगर जाएंगे या मनाली जाएंगे, ये उस टाइम पर मैं भी नहीं जानता था। पर अब जब सफ़र घूमते घूमते घर पर पहुंच गया है, दिवाली आने वाली है तो हमने डिसाइड किया कि यही मंजिल है। तो हम इस सीज़न को यही एंड करते हैं। दिवाली के बाद क्या प्लान है ये अभी भी नहीं जानता हूं मैं, बट अभी के लिए ये मंजिल हमने फुल स्टॉप लगा दी है कि सफ़र बिन मंजिल का मंजिल ये है। ऐसा नहीं है कि सफ़र बिन मंजिल जो था इसकी मंजिल कोई थी और कैसी शुरुआत रही थी आप लोगों ने देखी है कि मतलब बारिश से लड़ते हुए हम निकले थे इस सफर बिन मंजिल पर। ये देखो जी, ये हो गया हमारे साथ चोट, ये छपरे के नीचे किसी तरीके से पहुंचाया है और ये हमारी हालत है। पता नहीं मतलब ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं निकला था कि ऐसा होएगा, पर उसके बाद ट्रैफिक से लड़ते हुए ये जी कुछ तो कांड हुआ है। सारी गाड़ियां है ना रिवर्स भाग गई हैं, पता नहीं मतलब गड्डियां भज गई ने पीछे नू, होया क्या है ये नहीं समझ में आया। सिर्फ ट्रैफिक जाम है या कोई एक्सीडेंट हुआ है। कभी तो हम जंगल में भालू ढूंढने गए और कभी कभी तो सांप को हाथ में लेने की ट्राई कर रहे थे। इसको पहले मुंह दूर कर लो, मुंह नहीं ये लो, ये मुंह तो पूरा धीर हो गया। ये क्या हो रहा है, ये पानी के छोड़ रहे जहर मार रहे हैं। ना ना यार, फिर पेशाब आ रहा है इसको। हमारी बटनी चाहिए, उसकी क्यों बट रही है। पकड़ आप मुंह पकड़ के रख रहे हैं इस तरफ है। एक आधी तरफ जमे जाती है आगे वाले पे। वाह फील तो है। नहीं नहीं, मुंह आप पकड़ के रखना, मेरे से अभी वो वाली हिम्मत नहीं है। एक सेकंड पकड़ के रखना, मैं मुंह वाली साइड नहीं पकड़। नहीं यहाँ तो हाथ नहीं नहीं नहीं, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, ये लो बहुत है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। कभी कभी तो रास्ते याद रखे और याद रखवाए हमने और कभी कभी रास्ते खुद भूल गए और भूले हुए सफर को भी इंजॉय किया हमने। 25 किलोमीटर जाइए और निजाबाद में नहर पड़ेगी ना, चेक नहर हरिद्वार के निकल लियो यार। एक मिनट, यहाँ से आप जाओगे जंगल रास्ते, हाथी उत्ती मिल जाएंगे, पुलिस वाले जान नहीं देने के। कभी कभी तो रहने का ठिकाना आलीशान था और कभी कभी रहने के ठिकाने पर लाइट तक नहीं थी।
और ये होटल बिल्कुल ही रो है, कोई गीजर वीजर नहीं है, जैसे लाइट नहीं थी आपको पता है, कल सोलर पे लाइट चल रही है। यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, आपको पानी दिखाता हूँ कैसे गर्म हो रहा है। देखो जी यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है मस्त। अगर किसी की नहाने की इच्छा है तो, और कभी कभी तो बाबा ने बिन बुलाए बुला लिया, और कभी पहुंचने की कोशिश की तो पहुंच भी नहीं पाए। गुड मॉर्निंग। पर सच बताऊं ये सफर बिन मंजिल में जो जो जगह मैंने एक्सप्लोर की वो मैंने कभी नहीं सोची थी, ना कभी मेरी लिस्ट में थी कि ये जगह मैं जाकर एक्सप्लोर करूं, तो इसलिए मेरे लिए पूरा एक फ्रेश था। काफी लोग तो ये भी सोच रहे थे कि मैं मनाली चला जाऊंगा, गंगानगर चला जाऊंगा, कभी वो कोई डेस्टिनेशन बताते थे, कभी वो बोलते थे इस दोस्त से मिलूंगा, कभी उस दोस्त से मिलूंगा, पर प्रैक्टिकली मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मैं खुद नहीं जानता था मैं कहाँ के लिए निकला हूँ, क्योंकि सच में ये सफर बिन मंजिल था। इसीलिए मैं इस जर्नी को उतना इंजॉय कर पाया क्योंकि मैं खुद भी वो नहीं जानता था कि मैं लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा, इसलिए मैं बड़ा ही मजा आ रहा था इस सफर बिन मंजिल को। सच बताऊं तो अभी भी मैं ये सोच रहा हूं कि इस सफर बिन मंजिल को यहीं एंड कर देना चाहिए, पर मेरे को लगता है कि हाँ दिस इज द परफेक्ट टाइम, और थोड़ा फैमिली टाइम बिताते हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, क्योंकि पूरे साल मैं वेट करता हूं इस दिवाली का। बस आप पर एक ही जिम्मेदारी छोड़ के जाऊंगा जाने से पहले कि आपको क्या लगता है सफर बिन मंजिल का सीजन 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी जाते जाते कैसी रही हमारी जर्नी ये जरूर देख के, ठीक है जी। तुसी आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चलो राम रखा जी, राम रखा। तो बोल भोले नाथ की जय। कोरोना वायरस के कारण साबरमती आश्रम मुलाकातियों के लिए बंद है। दरवाजे दरवाजे खोल के रखा करो। क्या बंदे रख रखे हैं उन्होंने दरवाजे खोलने के लिए? कमरे 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 कोई ले नहीं रहा वर्दे कमरे। हूँ बता त्रियो है। बोलो सत्या सक्कट जिंदाबाद। सत्या सक्कट जिंदाबाद। हाईवे का राजा कौन? सत्या। अजय गुजराती थाली ब्रो, हम तो मुलाकाती है ही नहीं, हम तो ब्लॉगर हैं, हमारे को घुमाओ अंदर, हम घूमने आए हैं अहमदाबाद में। जामिया जम्वा हूँ अजय गुजराती थाड़िया थाली जामिया हूँ अजय गुजराती थाड़ी जमवा आव्यो छू। इतनी लंबी लाइन है एक बार में कहते बोलो।